हेलो स्टूडेंट, सवाल नंबर 8 में स्वागत है आप लोगों का। हम लोग एक्सरसाइज 3.3 में बढ़ रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री क्लास 11। क्वेश्चन नंबर 8, सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट कॉस पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स बटा साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बटा 2 प्लस एक्स बराबर लाना है हम लोगों को, कॉट स्क्वायर एक्स लाना है। क्या लाना है? कॉट स्क्वायर एक्स। चलिए, तो हम LHS लिख लिए हैं सबसे पहले, यानी कि बराबर के पहले जो है हमारा ये LHS, उसको हमने लिखा है कॉस पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स बटा में साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बटा 2 प्लस एक्स। चलिए, तो पाई का वैल्यू आप सब लोगों को पता है कि पाई रेडियन जो होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। कितना डिग्री के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ कॉस पाई का मतलब 180 डिग्री प्लस एक्स, कॉस पाई कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा होता है, यानी कि कॉस एक्स, ये माइनस खत्म। ऐसा है कि माइनस एक्स जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, जी हाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी निगेटिव होता है। तो माइनस थीटा का जो कोण होता है वह फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस, बाद बाकी माइनस, इसलिए ये माइनस खत्म हो गया। साइन उतार दिया मैंने यहाँ पे, और पाई का मतलब 180 डिग्री माइनस एक्स इंटू कॉस, और पाई बटा 2 मतलब 180 बटा 2, तो 180 बटा 2 काटिएगा तो आपको 90 डिग्री मिलेगा प्लस में एक्स। अब इस साइड आ जाइए, 180 प्लस थीटा मतलब 180 से ज़्यादा, तो 180 से ज़्यादा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में टी लिखा हुआ है, दिस मीन्स टेन पॉजिटिव कॉट पॉजिटिव बाद बाकी निगेटिव। तो बाद बाकी निगेटिव, इसका मतलब कॉस 180 प्लस थीटा का जो रिजल्ट है वो निगेटिव होगा, लेकिन 180 में चेंज नहीं होता है, तो माइनस में कॉस एक्स रहेगा इंटू कॉस एक्स पहले से है, इसको हमने लिख दिया, और बाटा के नीचे आ जाइए तो साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में बनेगा, कहाँ बनेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में बनेगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में यू कैन सी साइन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव रिमेनिंग आर निगेटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 180 माइनस थीटा ये प्लस में साइन एक्स ही रहेगा, और कॉस 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में बनेगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो 90 में चेंज भी होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, तो माइनस में साइन एक्स हो गया। अब कॉस गुना कॉस, तो ये कॉस स्क्वायर हो गया, और बाटा के नीचे साइन गुना साइन, तो ये साइन स्क्वायर हो गया, माइनस से माइनस कट गया, और कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा आपको मालूम है कि होता है कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरह से आपका RHS क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये था 11th क्लास के 3.3 एक्सरसाइज का सवाल नंबर 8। तो बहुत जल्द हम सवाल नंबर 9 लेकर आपके पास आते हैं। अभी तक अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को देखने के बाद लाइक करना ना भूलें और कमेंट भी करें। तो थैंक यू सो मच इन दिस वीडियो।